अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल T24। हमने लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स 3 के ये सब्जेक्ट्स है। और इसके अंदर जो है आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले जो लेक्चर हैं और दूसरे सब्जेक्ट के फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स 2 और ड्रग ला के, वो आपको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर पीछे से प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन लेक्चर का लिंक दिया गया होगा, वहाँ से आप जाके प्रीवियस तमाम लेक्चर सुन सकते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिक्स 3 का लेक्चर 2 है। इसके अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन सर्विसेज, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड कंट्रोल। और इसके बाद हम क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो बहरहाल आज जो है पहले दो दो टॉपिक आज ज़रूर कवर करेंगे। क्लिनिकल डिपार्टमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको मैं आज के टॉपिक में बताता चाहूँ कि आज हम जो है थोड़ा सा ब्रीफ ब्रीफ पढ़ेंगे। तो एक कॉन्सेप्चुअल आपका मकसद यह है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन सर्विसेज सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे। तो इसको अगर डायग्रामेटिकली देखें तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ऑन द बेस ऑफ सर्विसेज जो हॉस्पिटल होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स, ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास जनरल हॉस्पिटल्स, और इसके बाद हमारे टाइप है टीचिंग हॉस्पिटल्स। ये जो तीन मेन टाइप हैं क्लासिफिकेशन हॉस्पिटल में, ये सबसे मेन कैटेगरी हैं, स्पेशलाइज हॉस्पिटल और जनरल हॉस्पिटल और टीचिंग हॉस्पिटल। इसके अलावा और भी टाइप हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास क्लिनिक्स डिपार्टमेंट्स आ जाता है, और इसके अलावा जो है हमारे पास है एक लास्ट टाइप है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। यानी पांच तरह के क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज। तो अगर हम इसको जनरल हॉस्पिटल को देखें, ये जो जनरल हॉस्पिटल है तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ये बेस्ट टाइप ऑफ हॉस्पिटल है। जितनी भी हॉस्पिटल की टाइप है उनमें से सबसे बेस्ट कौन सी है? जनरल हॉस्पिटल की टाइप है, जो कि सेटअप की जाती है, बनाई जाती है मैनी काइंड ऑफ डिसीजेज। बहुत सी डिसीजेज को हम इसमें टैकल करते हैं। यानी इसमें काफ़ी सारी डिसीज़ का इलाज मुहैया होता है, जिसमें इंजरीज आ जाती है। आमतौर पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट इसमें अच्छा होता है। और मकसद क्या होता है? टू डील विद इमरजेंसी डिपार्टमेंट का मकसद होता है कि इमीडिएट और अर्जेंट ट्रीटमेंट देना, ठीक है ना? जो हेल्थ को जो प्रॉब्लम होते हैं, थ्रेट्स होते हैं, उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट करने के लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट इसके अंदर होता है। जनरल हॉस्पिटल इज़ अ बेस्ट टाइप ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद है, अगर हम इसको देखें स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स को, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल के भी आगे भी स्पेशलाइज्ड का मतलब है कि एक खास चीज़ में की सहूलतें प्रोवाइड करना। मिसाल के तौर पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, इसमें से बच्चों के रिलेटेड जो है डिसीजेज उसकी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। इस तरह सीनियर हॉस्पिटल है, यानी बुजुर्गों का हॉस्पिटल है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल है जो सिर्फ साइकी के पेशेंट्स को डील करता है, कार्डिक हॉस्पिटल जो है सिर्फ हार्ट पेशेंट्स के पेशेंट को डील करता है। इसी तरह स्पेशलाइज हॉस्पिटल की जो टाइप है कैंसर हॉस्पिटल, जो कैंसर के हॉस्पिटल को ट्रीट करता है, जिसमें शौकत खान कैंसर हॉस्पिटल है, सिर्फ कैंसर के मरीजों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह सर्जिकल हॉस्पिटल जो है ये सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ट्रोमा हॉस्पिटल जो है इंजरीज वगैरह के पेशेंट को डील करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये भी स्पेशलाइज हॉस्पिटल की टाइप हैं। उसी तरह स्पेशलाइज हॉस्पिटल की टाइप में रिहेबिलेशन हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो ये जो स्पेशलाइज हॉस्पिटल होते हैं इसमें एक सिंगल बिल्डिंग होती है और नंबर ऑफ इसके बिल्डिंग्स के कैंपस होते हैं। ज़्यादातर जो हॉस्पिटल होते हैं वो रन करते हैं नॉन प्रॉफिट बेसिस के ऊपर, गवर्नमेंट इसको चलाती है या चैरिटीज़ के बेसिस, जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल है, ये मतलब कि चैरिटी बेस आप कह सकते हैं हॉस्पिटल है। और इसी तरह और चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं, ये जो है गवर्नमेंट चलाती है। तो इसका यानी नॉन प्रॉफिट बेस्ड हॉस्पिटल होते हैं जो स्पेशलाइज हॉस्पिटल होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इसके बाद है आप कह सकते हैं टीचिंग हॉस्पिटल। टीचिंग हॉस्पिटल को अगर हम देखें तो टीचिंग हॉस्पिटल जो है हमें क्या प्रोवाइड करता है? क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं इसके अंदर होते हैं टू मेडिकल स्टूडेंट्स। मेडिकल स्टूडेंट्स को यानी इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का टीचिंग हॉस्पिटल है, और इसी तरह और जो है हॉस्पिटल हैं जो जहाँ पर MBBS के स्टूडेंट जाके ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। और इसी तरह जहाँ पर स्टूडेंट्स को क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, जैसे फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में है, और भी काफ़ी सारे टीचिंग हॉस्पिटल हैं।
तो वहाँ पर जो है मेडिकल्स के स्टूडेंट्स और नर्सेज जो होती हैं वहाँ पर क्या होती हैं, ट्रेनिंग लेती हैं, इंस्ट्रक्शन लेती हैं स्पेशलाइज डॉक्टर डॉक्टर से, ठीक है। और इनका जो टीचिंग हॉस्पिटल होता है इनका लिंक होता है मेडिकल स्कूल से, आप कह सकते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से इनका लिंक होता है जो टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं। तो इसमें क्योंकि इसके अंदर जो है प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स आते हैं और नर्सेज वगैरह जो नर्सेज स्टूडेंट होती है वो भी यहाँ प्रैक्टिस करती हैं टीचिंग हॉस्पिटल में। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसके अंदर एक एक तो आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हर सूबे के अंदर होता है, जो छोटे सूबे होते हैं जैसे बहावलपुर, लोधरा, इसी तरह जो और सूबे हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नाम से, DHQ के नाम से एक हॉस्पिटल होता है, उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहते हैं। उसमें मेजर हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं लाजमी प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें जो आप कह सकते हैं जो भी मेजर हैं पेशेंट्स के लिए वो जरूर प्रोवाइड की जाती हैं विद लार्ज नंबर ऑफ बेड्स। इसके अंदर बेड्स होते हैं फॉर इंटेंसिव केयर एंड लॉन्ग टर्म केयर। इसके अंदर यानी आप पेशेंट्स को आप एडमिट करा सकते हैं और लंबे अरसे तक पेशेंट की ट्रीटमेंट की जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में लास्ट टाइप है क्लिनिक्स। क्लिनिक्स भी एक हॉस्पिटल की टाइप है ऑन द बेसिस सर्विसेज। जो क्लिनिक होता है दी मेडिकल फैसिलिटी मदर देन हॉस्पिटल इन जनरली कॉल्ड एज ए क्लिनिक। यानी जो क्लिनिक होती है इसके अंदर जो मेडिकल फैसिलिटी होती है हॉस्पिटल से कम होती है और ये छोटे पैमाने पर होता है, यानी आप कह सकते हैं गली मोहल्ले में छोटे छोटे जगहों पे ये क्लिनिक्स आप कह सकते हैं बनाए जाते हैं, ताकि जो है ऑन स्पॉट जो है नियर प्लेस के ऊपर अगर जो लोग हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते वो क्लिनिक्स में जाके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ठीक है ना। ये क्लिनिक्स जो रन प्राइवेट पार्टनरशिप या फिजिशियन रन करते हैं, यानी जो डॉक्टर MBBS वगैरह करके आते हैं वो क्लिनिक्स अपनी खोल के बैठ जाते हैं। उनका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। तो क्लिनिक्स जो है जनरली प्रोवाइड ओनली आउट पेशेंट सर्विसेज, ये सिर्फ आउट पेशेंट सर्विस, यानी क्लिनिक्स के अंदर कोई एडमिट पेशेंट जो है कोई वार्ड नहीं बना होता जहाँ पर पेशेंट एडमिट किया जा सके, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जा सके। सिर्फ यानी पेशेंट्स आता है और ऑन द स्पॉट उसको ट्रीट किया जाता है और उसके बाद पेशेंट घर चला जाता है। तो ये क्लिनिक्स जो है सबसे छोटे लेवल पर हॉस्पिटल की आप कह सकते हैं टाइप है, और इसके ऊपर जो है थोड़े पैमाने पर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। ये आपकी हमारी क्लासिफिकेशन हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन द ओनरशिप एंड कंट्रोल, ठीक है। ये भी मुख्तसर अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो इसमें सबसे पहले आते हैं नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और इसके बाद है प्राइवेट फॉर प्रॉफिट प्रॉफिट हॉस्पिटल। इन प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं जो प्रॉफिट बस मकसद के लिए होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल और नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है ना। चार किस्म की टाइप हैं हॉस्पिटल की अगर ओनरशिप के लिहाज से इसको डिस्क्राइब करें। सबसे पहले आप देखें कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उसमें आ जाता है टीचिंग हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल, फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्रोवेंशियल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये जो है इसमें आ जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है। यानी आप कोई भी प्रोवेंशियल गवर्नमेंट चला रही है या सूबाई गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट चला रही है, वफाकी गवर्नमेंट या कोई टीचिंग हॉस्पिटल है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ जाता है। इसी तरह नॉन प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं इसमें चैरिटी हॉस्पिटल और ट्रस्ट हॉस्पिटल आ जाते हैं, ठीक है। और नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप कह सकते हैं कि ऐसे बहुत जो दूसरे हॉस्पिटल हैं वो तकरीबन नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जिसमें आप प्राइवेट हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। लास्ट में आपका टेस्ट है, छोटा सा टेस्ट ये है कि बेस्ट टाइप ऑफ हॉस्पिटल कौन सा है, जनरल हॉस्पिटल, स्पेशलाइज हॉस्पिटल या दोनों या नॉन। इनमें से जो सही ऑप्शन है वो आपने ज़रूर बतानी है। अगर आपको नहीं पता हो प्रीवियस लेक्चर सुनेंगे तो आपको इसका MCQs का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है द मेडिकल फैसिलिटीज मदर देन हॉस्पिटल इज कॉल्ड। इसकी ऑप्शन है क्लिनिक्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बोथ या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही ऑप्शन कौन सी है ये आपने मुझे बतानी है। अगर आपको नहीं पता तो आप शुरू से तमाम लेक्चर सुने तो आपको इसका सही ऑप्शन भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो दो आपके MCQs हो गए और थोड़ा सा थ्योरी हमने पढ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स। पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लिनिकल डिपार्टमेंट का होगा, या हॉस्पिटल की जो सर्विसेज हैं उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहें इस चैनल से ताकि आपको जो है पूरा लेक्चर जो है पूरी सिलेबस कवर कर सकें और तमाम जो है सिलेबस की तैयारी कर सकें और आप अच्छे नंबरों में इम्तिहान में पास हो सकें। इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और आपके इस वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।